गुलबर्गा तालुका कर्नाटक का प्रांत रईत संघ एहतजाज रखा, जो गुलबर्गा सुपरमार्केट जनता बाज़ार से गुलबर्गा जेस्कॉम ऑफिस तक एक पदयात्रा, किसानों की पदयात्रा निकाली गई। ये जो आज का आंदोलन है या आज जो किसानों की ये मूवमेंट है, इसकी वजह है कर्नाटक के जो इस वक्त मौजूदा कानून जो पास हुए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो किसान विरोधी कानून पास किए हैं, और साथ में जो इस वक्त ग्लोबल मीट के नाम पे जो हज़ारों एकड़ ज़मीन जो कंपनियों को देने का काम कर रही है, जो बीजेपी गवर्नमेंट एज ए रियल इस्टेट एजेंट का काम करते हुए जिस तरीके से कंपनियों को यहाँ की ज़मीन देने का काम कर रही है, इसके खिलाफ़ आज किसान आंदोलन यहाँ पे करते हुए उसका एहतजाज कर रहे हैं। जैसे हम सबको पता है, हालिया में बीजेपी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से आवाम मुखालिफ और किसान मुखालिफ कवानीन को पास किया है, जिस पे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट है, एपीएमसी एक्ट है, एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट है, लैंड रिफॉर्म एक्ट है, ये सारे कानून का मकसद जो है ये एग्रीकल्चर लैंड को या बोलिए ज़मीनों को कॉरपोरेट कंपनियों को देने की एक नीति बनाकर काम करी हुई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं, अभी जो ग्लोबल मीट चल रही है, ग्लोबल मीट में होगा क्या कि हज़ारों एकड़ ज़मीन इस वक्त ये इंडस्ट्रियलिस्ट को दी जाएगी। आपको मैं पिछला थोड़ा रिकॉर्ड बताता चलूं, आप चाहे अडानी का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पतंजलि बाबा रामदेव का उठा के देख लीजिए, या अंबानी का उठा के देख लीजिए, या टाटा का उठा के देख लीजिए, ये कंपनियों को यही ग्लोबल मीट के नाम पर, इन्वेस्टर मीट के नाम पर हज़ारों एकड़ ज़मीन दी गई। जैसे कि एक आपको बता दूं, बाबा रामदेव के पास इस वक्त लगभग हर स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र में 700 एकड़ दी गई, आसाम में 800 एकड़ दी गई, हरियाणा में 600 एकड़ दी गई, ये ज़मीन का कर क्या रहे हैं ये लोग। उसी तरीके से अदानी को 15 लाख एकड़ ज़मीन दी गई, ये ज़मीन का हो क्या रहा है। टाटा को इसी तरीके से, टाटा नैनो प्लांट सबको शायद याद होगा, नैनो कार जो आई थी, एक छोटी सी कार, वो कार आई भी और गायब भी हो गई, लेकिन वो कार की कंपनी बनाने के लिए जो ज़मीन दी गई, वो हज़ारों एकड़ ज़मीन आज एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में तब्दील हो गई। उसी तरीके से जो बाबा रामदेव को जो ज़मीन दी गई, वो कंपनियों के नाम पर जो दी गई, उसको जो है जिसका मार्केट वैल्यू 45 से 70 लाख के बीच में है, वो ज़मीन 3-3 लाख रुपये एकड़ करके बाबा रामदेव को दी गई। उसी तरीके से अंबानी को, अदानी को जो लैंड दी गई गुजरात में, लगभग 15 लाख एकड़ के करीब की जो ज़मीन है, वो कौड़ियों के दाम पे दी गई, जो कि 2 रुपया या 3 रुपया के हिसाब से करके उसको ज़मीन दी गई। लेकिन ये कर क्या रहे हैं, ये लैंड लेकर 5-6 साल उसको ऐसे ही छोड़ के वहाँ पे रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। लेकिन पॉलिसी क्या नाम पे बताई जा रही है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, रोज़गार मिलेगा। किसको रोज़गार दे रही है रियल इस्टेट? बीजेपी सरकार जो बनी हुई है, रियल इस्टेट एजेंट जो बनी हुई है, या रियल इस्टेट एजेंट गिरी करते हुए यहाँ पर किसानों की ज़मीन किसान कंपनियों के हवाले कर रही है। आज आपको बता दूं, इंडिया में जो खेती मजदूर हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो दूसरों के पास नौकरी करते हैं, जिन्हें हम लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स बोलते हैं, उनकी तादाद आज 6 करोड़ के ऊपर हो गई। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये लैंड के सही मानों में हकदार, जो गवर्नमेंट लैंड दे रही है कौड़ियों के दाम पे कंपनीज़ को, ये ज़मीन के सही मानों में हकदार वो तबका है जो खेती मजदूर है, जिसमें अक्सर ये सबसे मेजॉरिटी तबका जो लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स का है, ये दलित कम्युनिटी है, पिछड़े हैं। ये लोगों को ज़मीन का मालिकाना हक देना ज़रूरी है। भूमि अधिकार आंदोलन जो है, इसी का मकसद है कि दलित जो पिछड़े तबका है, दलित तबका है, जो खेती मजदूरी करते हैं, जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, हम चाहते हैं, हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, जो कौड़ियों के दाम पे कंपनियों को रियल इस्टेट करने के लिए हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन जो दे रही है बीजेपी गवर्नमेंट, वो दलितों को दी जाए, पिछड़े तबके को दी जाए, खेती मजदूरी करने वाले लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स को दी जाए। इसी तरीके से जो नीतियाँ चली हुई हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, अब पावर सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट करने का मकसद ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, किसानों को मीटर बिठाने का प्लान करी हुई है गवर्नमेंट। ये मीटर बिठाने से क्या होगा, हर महीना इलेक्ट्रिसिटी बिल किसान अदा नहीं कर सकता। अब उसी तरीके से देखिए, जिस तरीके से अभी कर्नाटका में जो बारिश हुई, सबसे हाईएस्ट जो बारिश से फसल नुकसान हुई है वो गुलबर्गा में हुई है। तो गुलबर्गा का किसान आज, उसके पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, या तो फांसी डाल ले या सरकार को अपना, ये 2 ही रास्ते रखी हुई है आज गवर्नमेंट। हम इसके लिए अपील करते हैं गवर्नमेंट से, 25,000 पर एकड़ का मुआवजा कर गुलबर्गा के किसानों को दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे लगभग 10 से 12 लाख एकड़ फसल तबाह हो चुकी है।
और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के जो फर्दर जो पॉलिसी जिस तरीके से चल के लैंड गबन करने का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाई है बीजेपी गवर्नमेंट, वो लैंड रिफॉर्म एक्ट कर्नाटक का लैंड रिफॉर्म एक्ट का ये नतीजा है कि आज हज़ारों एकड़ ज़मीन किसानों की ज़मीन बोलिए जो एग्रीकल्चर और करने की जो ज़मीन है वो कंपनियों को दी जा रही है। तो ये कॉरपोरेट कंपनीज़ की गुलामगिरी करने वाली जो ये सरकार बैठी हुई है, ये जो है ट्रिपल सी सरकार, कॉरपोरेट कम्युनल क्रिमिनल नेक्सस सरकार जो है, ये अपने आखिरी लम्हे में है। अब उसको आखिरी लम्हा है, अब इलेक्शन हारने का टाइम आ चुका है, तो जाते जाते जितना लूट सके वो लूट के जाने के लिए जो ये ग्लोबल पॉलिसी नीति लाकर, ग्लोबल इन्वेस्टर पॉलिसी जो कर्नाटका में कर रही है बीजेपी सरकार, ये देश को लूटने, स्टेट को लूटने, किसानों को लूटने और सरकारी ज़मीन जो हकदार हैं खेती मजदूर उनको ना दे के कंपनियों को देने के लिए ये काम कर रही है। इसके लिए हम किसानों से भी आग्रह करते हैं कि बीजेपी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं, अपना हक बचाएं, अपनी आवाज़ बुलंद करें, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट को रोके, लैंड रिफॉर्म एक्ट को रोके, एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट को रोके। अब देखिए हालिया में जो एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट हुआ पास करी है गवर्नमेंट, इसका नुकसान कितना बड़ा हो रहा है किसानों को। बीफ एक्सपोर्ट तो कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन किसान अपना जानवर यहाँ मार्केट में नहीं बेच सकता है, लेकिन कंपनियों को बेच सकता है। इसका मतलब क्या है? अगर आज जैसा बारिश में फसल तबाह हो गई किसानों की, ये किसानों की फसल तबाह होने के बाद, नुकसान होने के बाद, इनको एक सहारा हुआ करता था इनके जानवर, जो ये जानवर बेच के अपना कुछ गुजारा करते थे। आज उनको, किसानों को अपने जानवर बेचने से भी रोका गया है, जिसमें डेयरी फार्मर है, गौली जो है दूध का कारोबार करने वाले किसान हैं, खेती मजदूर हैं, एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, ये जो ऐसे अपनी त्रासदी के टाइम पे, डिफ़िकल्टी के टाइम पे जो जानवर बेचकर अपना गुजारा कर सकते थे, आज वो अपना जानवर भी नहीं बेच सकते हैं। एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट का मकसद ये है कि किसानों को जानवर बेचने से रोका जाए और कंपनियों को जानवर दिया जाए, ताकि बीजेपी को चंदा देने वाले, डोनेशन देने वाले जो बीफ एक्सपोर्टर बैठे हैं, जो सालाना 3 लाख करोड़ के आसपास का कमाई कर रहे हैं गोश्त बेचकर इंडिया से फॉरेन कंट्रीज़ को, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम चल रहा है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट को, ये किसान विरोधी है, जन विरोधी है, देश विरोधी है, कारोबारी विरोधी है, ये सीधा सीधा ये देश गद्दार सरकार है। इसके लिए हम ये कहते हैं ये सारी नीतियाँ वापस हो जाए। तो जिस तरीके से अभी गुलबर्गा तालुका के डिस्ट्रिक्ट के हर गाँव में आंदोलन छिड़ा है, इसी तरीके से पूरे स्टेट में बीजेपी हुकूमत को नो आउट टू बीजेपी के ऐलान के साथ किसान आंदोलन करेंगे। थैंक यू।